भैया तो इन्होंने मुझे बताया उस दिन के बारे में जो हादसा हुआ, जिस तरह से हत्या की गई है, जिस तरह से गोली चलाई गई है, पूरी योजना से 300 लोग पहुंचे वहां, 150 लोग जमीन पे आ गए जमीन को जोतने के लिए ट्रैक्टर से, 150 लोग, 150 लोग नदी के किनारे रुके हुए थे कि कहीं कुछ छिपे हुए थे, बंदूक लेके आए हैं। इन्होंने रोकने की कोशिश किया कि इनके पास कोई हथियार नहीं था, इनके पास बंदूकें थी, एकदम इनको मारने लगे, पहले लाठियां मारी फिर बंदूक से मारा, जो मरा नहीं गोली से, जो लेट गया था उसको गोली लगी, उसको भी उसके ऊपर उसके बावजूद की गोली लगी है देखने के लिए कि मरे हैं कि नहीं मरे हैं। उन्होंने डंडे से मारा एक महिला जिसको ईंट से सर पे मारा। ये स्थिति है, प्रशासन आया नहीं। इन्होंने कहा कि इन्होंने खुद उस समय फोन किया, 1.5 घंटा लगा उनको आने के लिए, उसके बाद अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल में भी इनको कहा गया कि आप पैसे क्या कहा गया, आप कह रहे थे कि पैसे दीजिए इलाज के, जो भी हमारे पीड़ित जो भी बनारस में है जिला अस्पताल रावर्सगंज में है टावर सेंटर, उनको इलाज नहीं हुआ कर रहे थे डॉक्टर इलाज के लिए, जब कर रहे हैं कि सर हमारा ये इलाज करिए तो करें पैसा दीजिए, बेड बेड सीट बेड्स का पैसा दीजिए, पैसा देंगे तो इलाज। बनारस में बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके दोनों माता पिता की हत्या की गई, कुछ ऐसे परिवार हैं जहाँ पे बच्चा भी अस्पताल में है, माता भी अस्पताल में है, उनका एक और भाई भी अस्पताल में है। इस जमीन पे ये समस्या है, आप कह रहे थे ना कि 1.5 महीने से कह रहे थे ना, 1.5 महीने से आप प्रशासन को कोशिश कर रहे थे कि उनको बताने की कि यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब मामला है। पूरे संबंधित पूरा हमारे गांव जानता है कि पूरे जिला प्रशासन आज द्वार जितने अधिकारी हैं सब उनके दबाव में, सारी पाकिस्तानी लोग जानते थे भाग्य होने वाला है। जिस दिन घटना घटी है उस दिन सुबह में 7-8 के लगभग में थाने से फोन आता है हमारे मोबाइल पे कि रामराज और फलाने दो लोग आ जाइए थाने पे और आप लोग उससे बात कर रहे हैं, बड़े साहब याद कर रहे हैं। हमने कहा सर आज हमें सुनने में आ रहा है कि अगल बगल से वो लोग कब्जा करने जा रहे हैं, कह रहा है कि नहीं, पर अभी जब तक हम लोग नहीं कहें तब तक वहाँ कोई नहीं जाएगा, आप लोग चले आइए। हम कहे सर हम नहीं आएंगे, प्रशासन जो है कि आ जाए यहाँ मौके पे गांव पे, क्योंकि दो के मामला नहीं है, ये पूरे गांव के मामला है, आप पजेशन भी आ जाएंगे, पूरे गांव रहेगा, आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा, क्योंकि हमारे ये देश में आज़ाद होने के पूर्व से हमारे पूर्वजों ने उस जमीन को बनाया है, ना कि पटना बिहार जहाँ की वो सोसाइटी जो बनाया आज चल रहा है सोसाइटी आदर्श कोऑपरेटिव, ये पटना बिहार के मुजफ्फरपुर को वो लोग नहीं आके यहाँ जंगल काटे या जमीन बनाए, हमारे पूर्वजों ने बनाया है, आप मौके से आ जाइए गाँव में और जैसा आप लोग सहमति बनेगा गाँव का वैसा काम आगे होगा कब्जा।